तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है आपका? और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैड कैप गेमिंग में। तो गाइस आज हम खेलने वाले भाई डियो, और मतलब सॉरी डियो भी स्क्वाड है, डियो नहीं खेल रहे। तो गाइस इस मैच में भाई क्या ही सीन होता है कि भैया मेरे को मिल जाती है MK14, ठीक है? तो तुम्हारा भाई क्या ही जो MK14 से पूरे सर्वर की लगाता है भाई, आप खुद देखना। तो भाई यहाँ पहले हम लोग उतर रहे थे भाई कोचिंग की, और भाई ऑल चैट पर क्या सीन हो रहा था कि भैया मेरी आर पी आई होती है सेकेंड नंबर पे, तो एक बंदा मेरा नाम यूज़ करके जो हाईएस्ट आर पी आई होती है उस बंदे को कोचिंग की बुला रहा होता है। अब भाई मेरे को ये तो नहीं होता था कि भाई इसका नाम क्या है। तो भाई मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, कोचिंग की चलते हैं। आगे जॉर्जो भी था, बट मैं फिर सोचता हूँ कि भाई कोचिंग की चलते हैं, उस बंदे को भी मारना है भाई जो हमारा नाम यूज़ कर रहा था यार, ठीक है? तो क्या सीन होता है कि भाई हम लोग कोचिंग की तरफ रहते हैं, और भैया हम खेल रहे थे खुजाल भैया के साथ, ठीक है? और ये खुजाल भैया जो हमारी खुजाल मिटाएंगे ना भाई किल चोरी कर करके, भैया आप देखना खुद बोलोगे भैया मतलब क्या ही मतलब हद है भाई। मतलब तुम्हारे भाई के ना इस मैच में कितने किल होते भैया? 1 और 3 भाई, कम से कम तुम्हारे भाई के 18 की जगह होते भैया 22 किल, बट खुजाल भैया ने थोड़ी किल चुरा ले, क्या होता है? कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि भैया मेरे को उतरती मिल जाती है 1 KM, ठीक है? और भाई मैं सोचता हूँ भाई सीधा रश कर देते हैं बंदे पे, भाई मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरे पे गन नहीं है अभी रश मत कर, बट भाई तुम्हारा भाई कहाँ सुनने वाला है, ठीक है? तो भाई मैं सीधा घुस जाता हूँ भाई बंदे ढूंढने के लिए। तो भाई पहले मैं इधर देखता हूँ, उधर तो मेरे को कोई दिखता नहीं है। तो भाई फिर मैं सोचता हूँ भैया बीच में तो बंदे उतरे होंगे, तो भैया मैं बीच की साइड जाने लगता हूँ। अब भाई यहाँ पर मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप भी आ जाते हैं, ठीक है? तो भैया मैं उस बंदे पर जा ही रहा हूँ, तो भैया सोचता हूँ कि भाई उस पर पुश करें आगे वाले घर में होता भाई वो, तो भाई उस पर पुश करने जा ही रहा हूँ। तो भाई मैं फिर सोचता हूँ कि भैया क्या पता खाम का हमारी खुजाल मिटा दे वो बंदा, इससे पहले खुजाल को आ जाने देते, भैया खुजाल थोड़ा कवर फायर दे देगा। बट फिर मैं छत पे चले जाता हूँ, भैया छत से एंगल मिल जाएगा, बट भैया वहाँ पे मेरे को हल्का सा दिखता है बंदा थोड़ी देर के लिए, मैं सोचता हूँ उसे नॉक कर दूँ, बट भैया फिर वो अंदर चला जाता है। तो भाई मैं इधर आ जाता हूँ कि भैया शायद यहाँ से एंगल मिल जाए, और भैया मैं यहाँ से उसके घर पर कूद जाता हूँ। बट भाई क्या ही मतलब वो बंदा मैं देखता हूँ भैया उस पर गन नहीं है, तो भैया मैं सोचता चलो छोड़ो पुश करते हैं उस बंदे पे। तो भैया मैं पहले इधर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ फिर, और उसके बाद भाई क्या सीन होता है कि मैं तुरंत अंदर घुस के पुश करने जा रहा हूँ, तो भैया वो बंदा खुद के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे भाई हमारे भागने की कोशिश करते, तो भाई मैं इसे जल्दी से नॉक कर देता हूँ, और भाई पूरा इतना डैमेज दे देता हूँ भाई कि भाई मतलब ये बच ही ना सके, ठीक है? डैमेज का भैया पूरा खाई गया मैं इसे। तो अब भाई जो आगे बंदे होते भैया इस साइड बंदे होते, तो भैया मैं इस साइड आ जाता हूँ बंदों को मारने के लिए, ठीक है? तो अब इस बंदे ने जस्ट अभी एक बंदे को मारा होता है, ठीक है? अब उसके बाद क्या सीन होता है कि भाई ये घुस जाता है शेक के अंदर मेरे को देख के, ठीक है? और उसके बाद भाई मैं यहाँ पे प्री फायर देता हूँ, बट भाई ये बाहर नहीं आता, और भाई मतलब अंदर ही भाई बैठ जाता भाई, मतलब कहते हैं कैंपिंग। तो भाई मेरा टीममेट बोलता है कि भाई तू जा मैं कवर फायर दूंगा, बट भाई मैं बोलता हूँ भाई मैं नहीं जा रहा, इसको बाहर आने दे। तो भाई इतने मेरा टीममेट जाता है, तो वो बंदा फायरिंग करने लगता है, तो रुक तो भाई कब ही तो उसकी फायरिंग खत्म होगी। तो भाई जैसे इसकी फायरिंग खत्म होती है, तो भाई मैं यहाँ पे प्री फायर देता हूँ, भाई यहाँ पे मेरी गन भी रिलोड पाने वाली होती है, तो मैं जल्दी से रिलोड करता हूँ भैया, वेट करता हूँ कि भैया कब भाई इसकी गन रिलोड पाएगी। और भैया यहाँ पे हमारे खुजाल भैया की खुजाल मिटा देते हैं, तो भैया ऐसे कैसे माफ़ कर दे यार, इसको पूरा खाएंगे यार ऐसे, मतलब बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भैया, खुजाल भाई को मारा इन्होंने हमारे, ठीक है? और गाइस इसको मारने के बाद गाइस क्या सीन होता है कि मैं जल्दी से अपने टीममेट को भाई रिवाइव देने जाता हूँ, क्योंकि भैया अभी कोचिंग की क्लियर नहीं होता, भैया अभी पीछे 2 बंदे और बचे होते हैं, ठीक है? और भाई क्या ही स्कैम करते हैं वो हमारे साथ, आप देखें जरा आगे जाके। तो भाई यहाँ पे मैं रिवाइव देने लगता हूँ, और भाई मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, अगर आपको किसी को भी सॉल्यूशन पता है या फिर कोई जुगाड़ पता है, तो भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना भाई मैं मतलब इतनी मेहनत लगती है भाई रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है? और भाई इतना गुस्सा आता है जब भाई पूरे गेम प्ले में घर भाई ऐसी आवाज़ आने लगती है, और पूरे गेम प्ले बेकार हो जाता है। तो भाई इसको छोड़ो, पहले वहाँ पे 2 बंदे होते भैया, 1 बंदे को तो भैया मैं नॉक कर दूँ, ठीक है? तो भैया मैं जैसे आगे पूछ करता हूँ भैया, यहाँ पे मैं इसे इतना डैमेज देता हूँ, भैया हमारे खुजाल भैया की खुजाल बचती है, और भैया वो किल चुरा लेते हैं, तो भाई अच्छा थोड़ा लगता है यार। ऐसे तो मैं यहाँ पे 3-4 मुक्के मार के बोलता हूँ भाई किल जो चुराया भाई गलत बात है, तो कुछ नहीं होता। उसके बाद भैया ये बॉट आता है, तो उसकी भरपाई हमारे ये बॉट भैया कर देते हैं, तो हम यहाँ से निकल लेते हैं भाई। तो मैं बोल रहा था कि भाई मतलब तुम लोग देख लेना कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक क्लिप भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही, तो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन पता हो तो बता देना मेरे को प्लीज़, ठीक है? तो भाई अभी यहाँ पे एक बंदा होता है, तो भाई मेरे को यहाँ पे पहले उसकी झलक दिखती है, तो मैं वहाँ पे फ्री फायर देता हूँ, बट भाई उतरता नहीं, तो भाई मेरे टीममेट बोलता है नेट फेंक, तो भाई मैं देखता हूँ मेरे पे तो नेट है नहीं, तो भाई मैं 3-4 मुक्के मारता तो वो समझ जाता है भाई इस पर नेट नहीं, तो भाई नेट ड्रॉप कर देता, बट भैया इतने में हमारे भाई साहब नीचे कूद जाते हैं, तो कुछ नहीं होता भैया, मैं इसे मार देता हूँ जल्दी से। भैया इसे मारने के बाद इसकी टीममेट यहाँ पे होता नहीं है भैया, पता नहीं क्यों लवारिस यहाँ पे घूम रहा होता है, ठीक है? और उसके बाद भाई क्या सीन होता है कि भैया हम लोग इसे लूटते हैं, और भैया यहाँ से भी निकल लेते हैं। अब भाई मैं सच बताऊँगा, यहाँ आने से पहले ना भाई मैं कितना घूमा रोजॉक स्कूल से, तो भैया हो ही गए थे रोजॉक जॉर्जो पूल तक घूम के आए थे, बट भाई मैं कोई मिला नहीं। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था, भाई मैं आता हूँ हिम्मत करके ड्रॉप पर, तो भाई देखो स्मोक भी कहाँ गया टीममेट ने, तो यहाँ मेरे को मिल जाती है MK, और भैया यहाँ से भैया पूरा सर्वर डिस्ट्रक्शन शुरू होता है भाई। पहले तो मैं सोचता हूँ MK उठाऊँ ना, बट भाई फिर मैं उठा ही लेता हूँ भैया, इतने में यहाँ से एक गाड़ी भी निकल जाती है,
और भाई अब देख रहे हैं भैया क्या ही सर्वर डिस्ट्रक्शन शुरू होगा। यहाँ पे मेरे को दोनों साइड से पड़ रही थी, मैं जल्दी से एमके रिलोड करता हूँ, ऑटो पे सेट करता हूँ, भैया बैठ जाते हैं गाड़ी में, ठीक है। अब टीममेट को मैं बोलता मतलब गाड़ी लेके जाता हूँ टीममेट के पास, तो भाई क्या ही सीन होता है ना भाई। ये बैठ रहे थे डांसे भैया इतना उबड़ खाबड़ रास्ते पर ना भैया, बहुत बेकार चलती, कभी लेना हुआ ठीक है। और भाई तो फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं, और भाई यहाँ से सामने वाले स्क्वाड हाउस पे चल रही होती फाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा स्क्वाड हाउस पे ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे बंदे के ऊपर पुश करके इनको मार देंगे इजिली, बट यहाँ पे भाई तुम्हारे भाई के साथ गलत सीन हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं जल्दी उतर जाता हूँ, भाई मैं टीममेट को बोल देता हूँ भाई रेस्ट मत कर, देता हूँ मैं पोजीशन ला ले लूँ। बट भाई सामने होता भैया एक ही बंदा, ठीक है। तो भैया उस बंदे को भैया मारने के लिए कुछ करना नहीं होता, भाई मेरे टीममेट सीधा घुसने लगता है। पहले तो भैया हमें ये नहीं पता था भैया वो बंदा एक भी फुटस्टेप नहीं देता, हमें लगता भैया वेयर हाउस में ये जो बंदे हैं, ठीक है भाई। जरा भाई यार तुम्हारे भाई को सपोर्ट दिखाओ यार भाई, प्लीज़ गाइस, बहुत मन लगता है भाई एक वीडियो बनाने में, ठीक है। ऊपर से घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते भाई, मतलब ऊपर से डांट और पड़ती कि भाई गेम तो खेल रहा, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले भाई, तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाना यार। तो भाई क्या सीन होता है कि भैया इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते, तो भैया मेरे को ऊपर से फुटस्टेप आता, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भैया, पहले एक ग्रेनेड देखता हूँ, मैं ग्रेनेड एक लो टॉस पे कर लेता हूँ पहले, तो भैया एड्रेनलिन सिरिंज मारता हूँ कि भैया कहीं मतलब थोड़ी हेल्थ वेल्थ कम हो तो भैया वो रिफिल होती रहेगी। उसके बाद भैया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नेड लूटा उस पर, अब ये देखने यहाँ पे मेरे आगे जाके इस बात पे क्या ही स्कैम होगा मेरे साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पीछे की साइड नेड फेंक देता हूँ, तो भैया वो बंदा आगे ही बैठा हो, ठीक है। और उसके बाद भैया एम किया भैया, फिर डर किस बात का, भैया सीधा घुस जाता हूँ मैं, ठीक है। और उस बंदे को पता नहीं चलता भैया उसके साथ हुआ क्या, भाई कैसे मर गया वो, ठीक है। उसके बाद भाई कैसे मिलता है भैया, आप जो बंदे बचे थे भैया वो होते हैं भैया सामने ले रहा उसमें, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक बंदा बार बार पीक ले रहा होता है, तो मैं उसको काफ़ी फायर देता हूँ भाई, मतलब हचक के फायर देता हूँ भाई मैं उसको, ठीक है। और उसके बाद एक बंदे को मैं काफ़ी डैमेज भी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई फिर वो अंदर घुस जाता है, तो बट मैं कहता हूँ चलो पहले एमो उठा लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि भाई एमो बहुत कम हो गई होती मेरे पे। और ये बंदा फिर पीक लेता है, ठीक है। तो भाई इसके बाद मैं इसको फिर से डैमेज देता हूँ, बट भैया फिर ये कवर में भाग जाता है। और उसके बाद भाई इसका टीममेट में पता नहीं क्या ही खुदाल मचती है भैया, ये फिर पीक लेता है यार, भैया इस बार हम इसको कर देते हैं नॉक, ठीक है। और उसके बाद भैया हम लोग इस पर करते भैया सीधा ओपन से पुश, इतने में टीममेट मार करते भाई पीछे से एक बंदा पीक लेता, तो मैं जल्दी से उसको नॉक कर देता हूँ। और उसको नॉक करने के बाद भैया यहाँ पे मेरे साथ हो जाता है स्कैम, भैया यहाँ पे मतलब एम क्या ही ख़राब होता है भाई मेरा, एक तो भैया 10 एमओ और होती है एमके में, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पे ये भैया हमें बैरल से नॉक कर देता है भैया, पहले तो मैं कहता हूँ भैया टीममेट जा कर रहा है बंदा पीछे है, तो भैया इसको मेरा टीममेट नॉक तो कर देता है किसी तरह, भैया पूरा फिनिश कर देता है भाई, इसको पूरा फिनिश करने के बाद भैया मेरे को रिवाइव देना आ जाता है। तो भाई मतलब इस गेम प्ले में जो थोड़ी देर पहले तक कि भाई ये गेम प्ले सही से रिकॉर्ड हो, उसके भाई पूरे गेम प्ले में भाई यही आवाज़ आ रही थी, मतलब पूरे गेम प्ले में गड़ इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। भाई कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ बताना भाई मेरे को प्लीज़, ठीक है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ भाई रुक जा, मेरे को हील कर लेते हैं, और हील करने के बाद भाई ये उधर से जाता है और मैं इधर से जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये भाई साहब देर होता है अपने टीममेट को रिवाइव, तो भैया मैं जल्दी एक्सप्रे देता हूँ भैया, एक तो नॉक हो जाता है भैया और दूसरा बच जाता है भैया, दूसरा क्या ही नशे में होता है भैया, उसको लगता है अभी भी बंदा उधर से आएगा, तो मैं पीछे से एक्सकारल से मार देता हूँ उसको। तो भैया यहाँ पे ये स्क्वाड क्लच हो गया भैया, ये क्लच पसंद आता है भैया लाइक कर देना एक बढ़िया सा। उसके बाद भाई हम लोग आते हैं तो इधर मेरी गाड़ी ठुक जाती है, तो मेरे को दिखता है स्क्वाड उसमें भैया एक हलचल हुई खिड़की पे, तो मैं टीममेट को मार्क कर देता हूँ वहाँ पे एक बंदा है भाई, क्या ही बंदा ये कैम कर रहा होता भाई, मतलब अगर मेरे को हलचल नहीं दिखी होती भैया ये बंदा पता भी नहीं चलता भैया कोई कैम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे पहले एक नेट फेंकता हूँ भाई, पहले तो मैं देखता हूँ भाई लूट हाउस पे गलती से नेट हो गया है, तो मैं किसी तरह ऊपर करके फेंक देता हूँ, बट भाई जैसे मैं ऊपर घुसता हूँ ये भाई साहब हमारे यहीं बैठे होते हैं, और भैया इसको मैं जल्दी संभाल देता हूँ एम के से। भैया एम के तो भैया डर किस बात का, सीधा पुश करेंगे यार। और भैया यहाँ से शुरू होते हैं हमारे किल चोरी होना, ठीक है, मतलब इस मैच में बहुत किल चोरी करूँगा मैं, ये बात अलग है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो भाई पीछे से एक गाड़ी आती है, यहाँ से फायरिंग होती है, ठीक है। अब पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है, मैं M4 निकाल लेता हूँ जल्दी से, भाई देखना क्या ही डैमेज दूंगा मैं, पहले तो इन बंदों को इतना डैमेज दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद भैया आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना डैमेज दिया भाई मैं हर एक बंदे को, बट भाई एक भी किल नहीं मिला, बट लास्ट बंदा बचा था इनका, तो मैं जल्दी से जाके उसको मार देता हूँ कि भाई कम से कम एक किल मिल जाए। और यहाँ पे हमारे खुशहाल भैया 3 किल निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं होता, मैं 3-4 मुक्के फिर मार देता हूँ इसको। और भाई मुक्के मारने के बाद भैया हम लोग आ जाते हैं इस साइड, क्योंकि भाई इधर चल रही थी फाइट फुइट, तो भैया सामने एक बंदा दिखता है मेरे को जिसने अभी एक बंदे को मारा होता, तो भैया मैं जल्दी से नॉक कर देता हूँ, काफ़ी डैमेज देता हूँ, बट भाई रिवाइव हो जाता है ये भैया। यहाँ पे भैया कति ओपन में एक बंदा नॉक पड़ा होता, तो भाई देख रहे हो तुम्हारी भाई की हराम बनती, मतलब जो नॉक बंदा भैया उसका किल पहले चुराओ, किल बढ़ जाएंगे यार भाई। दूसरा बंदा फिर वहीं पे प्रोन होता है, भैया मैं उसे भी जल्दी नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और इनका लास्ट बंदा तो भाई अपने पीछे, हमें पता नहीं होता कोई बंदा हमारे पीछे, बट भैया फिर मेरे टीममेट को भैया हचक के डैमेज देता हूँ भैया, ले ही जाता लगभग, तो मेरा टीममेट चिल्लाने लग जाता है कि भाई एक बंदा पीछे जल्दी आता है मेरे पास, और यहाँ मेरे साथ स्कैम हो जाता है भाई। मेरे को पता नहीं था भैया मेरा ग्रेनेड भैया जो है लूट हाउस पे है, और भाई क्या ही सीन होता है भैया उसके बाद मेरे साथ।
बट भी ने टीममेट बोलता है भाई पीछे आ जा जल्दी पीछे, क्योंकि भाई पीछे एक बंदा होता है उसको भाई डैमेज क्या ही देता भाई, 10 HP छोड़ता है वो बंदा, 10 भी नहीं भाई 5 HP छोड़ता है। तो भाई मैं इधर जाता हूँ तो भाई टीममेट बोलता है कि भाई जल्दी जा सामने वाले पेड़ के पास, आसपास कहीं है उसको मार दे। तो भाई पहले मैं इधर आता हूँ भाई, पहले मैं यहाँ पे ब्लाइंड फायर देता हूँ उस वाले पेड़ के पास, क्योंकि भाई वो बोल रहा था इधर ही एनिमी है तो मेरे को दिक्कत आ नहीं होता, बट मैं उसको प्रोन होगा एक बुलेट लगेगी तो भाई मैं वहीं पर फायर दे दूँगा ब्लाइंड फायर, बट भाई वो वहाँ पर नहीं होता। तो उसके बाद भाई मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो इधर से घूम के चलते, बट भाई मेरा टीममेट फिर मार करता है वहीं पे, तो मैं सोचता हूँ चलो जाके पर देख ही लेता हूँ। भाई मेरे को ये समझ गया पहले इसको बुलेट क्यों नहीं लगे, भाई मैंने यहीं पे ब्लाइंड फायर देता बट भाई एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई इसको, तो कुछ नहीं होता भाई। तो इसको मारने के बाद भी बचे होते बस 3 बंदे, ठीक है। तो अब उन 3 बंदे मतलब वो सामने वाली स्क्वाड ही होंगी जिसके मैंने मतलब एक बंदा तो भैया पूरा ही खा गया था पहले, और भाई 3 बंदे बचे थे उस स्क्वाड के। पहले तो भाई मुझे कोई ये बात पता नहीं होती कि भैया वो एक ही स्क्वाड के, पहले मेरे को लगता है 2 स्क्वाड होंगी इधर, 2 बंदे होंगे और एक बंदा कहीं और होगा, पर भाई तीनों एक ही स्क्वाड के होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं पहले ग्रेनेड फेंक देता हूँ एक दो, कि भैया क्या पता एक बंदा ग्रेनेड की चपेट में आ जाए। अब भाई यहाँ पे कोई भी मतलब तुम्हारे भाई के नेट सस्ते हैं तो भैया कोई भी चपेट में तो नहीं आता, तो यहाँ पे मेरे को एक मॉली और नेट फिर से मिल जाता है। तो भाई मैं फिर से एक और नेट फेंक देता हूँ और एक और मॉली फेंक देता हूँ, बट मेरे टीममेट बोलते हैं कि भाई ऊपर की साइड है वो, इधर ऊपर प्रोन है। वही इतने में मेरे टीममेट पे ये बंदा फायरिंग कर रहा था, भाई मैं जल्दी से इसको MK से नॉक कर देता हूँ गिली सूट वाले को, और भाई इतने में सामने से एक और बंदा आता है तो भैया मैं उसको भी जल्दी से नॉक कर देता हूँ MK से। और इनको मारने के बाद भाई इनका लास्ट बंदा बचता भैया जो कि होता है इस साइड, और भाई जैसे ही वो खड़ा होता है भैया उसको भी हम MK से फिनिश कर देते हैं। तो भाई ये चिकन डिनर मतलब काफ़ी बढ़िया चिकन डिनर था, ठीक है। इस वीडियो में मैं गाइस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ भाई बेल आइकन को भी दबा देना यार, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी भाई मेरे चैनल की। भाई सपोर्ट दिखाओ यार प्लीज़ गाइस, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो भाई एक प्लीज़ यार एक गाइस वो मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला था भाई, जो जो थी मैं बता रहा था रिकॉर्डिंग के टाइम पे गाइस, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग में वीडियो में भाई घर वाली साउंड आती है तो भाई बहुत बेकार गेम प्ले लगता है भाई, इंटरनल तो रिकॉर्ड होती है बट भाई कोई सॉल्यूशन हो तो गाइस प्लीज़ बताओ यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में और भाई पूरी वीडियो बेकार हो जाती है उससे, तो भाई बहुत बहुत दुख होता है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतने, अगर आपको कोई सॉल्यूशन पता तो गाइस प्लीज़ बता देना गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।